दोस्तों, जो अगर आप 10वीं पास हैं और किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और साथ ही भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि भारतीय सेना ने पूरे भारत के युवाओं के लिए सीधी भर्ती निकाली है और इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया है। इसलिए जो अगर आप इस सेना भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिन पोस्ट के लिए भर्ती होनी है उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ और सिविल मोटर ड्राइवर पद शामिल हैं, और आवेदन के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही ड्राइवर पद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। इस भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की सीमा 28 वर्ष रखी गई है, लेकिन आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीधी भर्ती को सेना भर्ती कार्यालय गोपालपुर ओडिशा द्वारा निकाला गया है, जिसमें कि पूरे भारत के पुरुष उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उनको विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरकर पोस्ट द्वारा एरो गोपालपुर के पते पर भेजना होगा। इस नौकरी में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए सेना के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।